गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं उदयपुर के एक जंगल के अंदर जिसका नाम है केवड़ों की नाल। और वीडियो के अंदर आज हमारे साथ हैं बंसी भाई, और बंसी भाई के साथ और आज हमारे साथ और भी एक दोस्त आए हैं, नए दोस्त दीपक भाई। तो तीनों भाई हम मिलकर आज जाने वाले हैं केवड़ों की नाल उदयपुर में, और वहाँ का जो है आपको पूरा नज़ारा हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो वीडियो में गाइस एंड तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और काफी आपको मजा आने वाला है। आज कुछ नया एडवेंचर करने वाले हम। तो दीपक भाई चले क्या? चले, क्या कहते हो वंजी भाई? बस चले चले, दिखाते नजारा दोस्तों को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। तो दोस्तों थारा भाई अभी आ चुका है केवड़ा की नाल जंगल, पूरा उदयपुर जंगल सफारी में मैं आ चुका हूँ। तो आप देखिए किस तरीके का ये पूरा जंगल है, ये उदयपुर के अंदर है। उदयपुर से महज आप मान सकते हैं 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। काफी अच्छा एडवेंचर है, काफी अच्छी जगह है। देख सकते हैं किस तरीके का पूरा जंगल है। कभी कभी तो इस रोड पे बीच में बाघ शेर वगैरह भी निकल के आ जाते, तो इस रास्ते पे आप अगर आते हैं तो अपना ध्यान रखें। और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, अगर बाइक लेके आते हैं तो बाइक को बड़े ही ध्यान से चलाएं। और काफ़ी अच्छा एडवेंचर, काफ़ी अच्छा माहौल लगा मेरे को, पूरा जंगल का माहौल है ये पूरा। यहाँ दोस्तों यहाँ की एक खासियत है कि आप अगर गर्मी के दिनों में भी इस जगह पर आते हो तो आपको ठंड का अनुभव होगा, ठंड महसूस होगी। और ठंड के दिनों में तो मानो मतलब बर्फ ही जम जाता है पूरा, मतलब बर्फ क्या, मतलब ऐसी ठंड लगती है अपने को जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अपन घूम रहे हो, तो उस टाइप का यहाँ पे फील होता है। काफी अच्छी जगह, इंटरेस्टिंग जगह, आप भी विजिट करिए। दोस्तों एक बात का यहाँ ध्यान रखना, अगर आप बाइक वगैरह यहाँ लेके आते हो तो बाइक और कार वगैरह तो जो ड्राइव है तो आप बिल्कुल सेफ करें, क्योंकि काफ़ी डेंजरस ये रोड है, मतलब काफ़ी सारे एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान ही रखें। तो आपका भाई आज एक नए एडवेंचर पे आया है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ का। वाह भाई वाह, क्या नजारे हैं यार, क्या नजारे हैं उदयपुर के यार, मानो जन्नत में आ गए हो यार। उदयपुर तो एक नंबर है यार, जन्नत यार। कभी सोचा नहीं था यार मैंने कि उदयपुर इतना खूबसूरत, मतलब सोचा तो था कि उदयपुर खूबसूरत तो है, मतलब ये नहीं सोचा था कि इतने भरे भरे जंगल और इतना खूबसूरत उदयपुर हो सकता है। काफी अच्छा है।